गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो टुडे आई एम गोइंग फॉर अ ओवर नाइटर। हम लोग जा रहे हैं रानीखेत, तो वी आर अबाउट 8 राइडर्स एज ऑफ नाउ। बाकी दो लोग आगे मिलेंगे। बाकी टाइम हुआ भी 6:30 इन द मॉर्निंग, तो टोटल राइड इज ऑलमोस्ट अबाउट 400 किलोमीटर फ्रॉम वन साइड। तो 9 घंटे की राइड है, ओवरऑल आई थिंक 900 किलोमीटर हम लोग कवर करेंगे। सो टुडे आई एम राइडिंग ट्राइम्फ टाइगर द राइड, बिकॉज रास्ता थोड़ा सा ख़राब भी है, तो हम लोग राइडिंग में हार ली है फॉर द डे। सो अभी हम लोग मिल गए हैं, बाकी दो लोग नीचे वेट कर रहे हैं, तो दो लोग मिलते हैं, उनको कैचअप करते हैं फिर बाद में। वी जस्ट फिनिश आर ब्रेकफास्ट दिस मोगा पंजाबी तड़का। तो अभी तो हमने डिस्टेंस कवर किया 150 किलोमीटर्स। अभी यहाँ से हमें जाना है एटलीस्ट, अरे अभी 100 किलोमीटर्स कवर किया और यहाँ से हमें जाना है एटलीस्ट अभी मोर देन 200 किलोमीटर्स। सो दैट्स द एंटायर कॉन्वॉय। तो जितेश इज पुशिंग बैक, यहाँ तक सी ऑफ करने के लिए आया था। हाँ, देन दिस अयन, देन वी हैव समीर, देन वरुण, धीरज जी, एंड दैट्स माय बाइक। टुडे आई एम राइडिंग द टाइगर। जस्ट काला डूंगी पहुंचे हैं, विच इज़ अबाउट कितना 240 किलोमीटर फ्रॉम माई होम। अब यहाँ से हमें लगेगा 3-4 आवर्स, क्योंकि यहाँ से अब हिल स्टार्ट हैं, तो इट विल टेक अनदर 3-4 आवर्स टू रीच रानीखेत। सो फार सो गुड, 200 प्लस किलोमीटर राइड किए हैं। जो राइड है मतलब इट्स टोटली एफर्टलेस ऑन टाइगर। ऑफ रोड, ऑन रोड, कैसा भी रोड हो, दिस बाइक्स डस सो वेल। फाइनली हिल्स स्टार्ट हो गए हैं, स्टार्ट क्लाइंबिंग नैनीताल। तो अभी प्लान ये है कि वी कवर 281 किलोमीटर सो फार, और यहाँ से नैनीताल है 40 किलोमीटर। तो नैनीताल पहुँच के हम लोग लंच करेंगे, उसके बाद देन हम लोग निकलेंगे रानीखेत के लिए। सो फार सो गुड, रोड इज टू गुड एज ऑफ नाउ, तो बाकी आगे पता नहीं। सब एक साथ ही चला रहे हैं सिंगल लाइन स्टैगर, बिकॉज पहाड़ों पे ज़्यादा चला के फायदा नहीं है तेज़। ऐसे रोड्स के लिए टाइगर तो मतलब मज़ा है, जितना मर्जी उतना लीन करो, नो वरीज। और रोड भी अगर कोई ख़राब आ जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब थोड़ी सी ठंडी हवा लगी है और थोड़ा सा फॉगी फॉगी सा दिखा है। वाओ, तो अभी जस्ट पहुंचे हैं हम नैनीताल। यहाँ पे एक शॉप आएगी, लास्ट में पनगोट आए थे तो उसके ब्रेक ख़राब हो गए थे फैट बॉय के, तो यहाँ पे रिपेयर कराया था और यहाँ पे फ्यूल अप कराया था। That's the lake. लेक को देख पाना ही बहुत मुश्किल है, तो यहाँ से दिखेगी तो बेहतर। दिस इज द लेक।
दैट्स दी नैनीताल लेक। लोग बोटिंग कर रहे हैं यहाँ पे फुल स्पीड। एंड वी प्लान टू हैव लंच एट दिस एम्बेसी रेस्टोरेंट। यहाँ पे हम लोग लंच कर रहे हैं और इधर हमने बाइक्स पार्क की हुई हैं। एंड दैट्स दी लेक। सुपर। चलो अल्मोड़ा 65 भीमताली 22 बहुत सुंदर है। वी जस्ट टेक लेफ्ट टर्न। लेफ्ट टर्न लेने के बाद ये यहाँ से रानीखेत 31 किलोमीटर, तो टाइम लगेगा अभी 40 मिनट्स लगेंगी और 23 किलोमीटर। सो टारगेटेड टाइम था हमारा 2 बजे एंड इट्स 5:43। तो वी आर वेरी 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 लेट, बट एनी वेज रुकते रुकाते आए तो इतना टाइम तो लगेगा ही। सो फार सो गुड, इट्स अ गुड राइड। बाकी टाइम कैसे कट जाता है इंटरकॉम पे पता ही नहीं चलता है। सो बेसिकली इंटरकॉम इज द वन थिंग विच कीप यू राइडिंग। तो बाकी लोग यहाँ रुके हुए हैं। Look at this beauty. This is the last 25 kilometer stretch for Ranikhet. It's so beautiful. Super clean road. अभी बिल्कुल डाउन है, रिवर बिल्कुल साथ में है। अब यहाँ से है अब लोग हम लोगों का अपहिल स्टार्ट होगा। हिल्स पर सनसेट का व्यू अलग होता है। जस्ट रीच रानीखेत। सच ए ब्यूटिफुल प्लेस। होटल यहाँ से है आई थिंक, जैसे लोग बोल रहे हैं 2-3 किलोमीटर। दिस प्लेस इज ब्यूटिफुल सीरियसली। फैंटास्टिक। वी रीच्ड, हाँ वी हैव टू दिस KMBN। शाम को मजा आएगा वॉक करने में। ऑलमोस्ट माल रोड रानीखेत टूरिस्ट रिजॉर्ट KMBN। यहाँ वी रीच। वाह गुड प्लेस। हाँ this place is owned by the government. So, finally reach check-in check-out करके फिर करते हैं कनेक्ट फिर से।